क्या आसपास के लोगों को बार बार हाथ पैर हिलाता देखकर आपको इरिटेशन होती है? अपने आसपास हो रहा मूवमेंट आपको परेशान करता है? तो आप अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिक इस तरह की कंडीशन को मिसोकिनेशिया कहते हैं, जिसका मतलब है हेट्रेड ऑफ मूवमेंट, यानी आसपास हो रही गतिविधियों से नफरत या चिढ़ होना। हालिया अध्ययन के दौरान कनाडा में 41,000 लोगों पर रिसर्च की गई और ये पाया गया कि 3 में से 1 व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे लोग जब किसी को हिलता हुआ देखते हैं तो गुस्सा, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन के रूप में उनका रिएक्शन बाहर निकलता है। यह अपने आप में इस तरह की पहली रिसर्च थी जो साइंटिफिक रिपोर्ट नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इस रिसर्च में पाया गया कि मिसोकिनेशिया से जूझ रहे व्यक्ति को लोगों से मिलने जुलने में तकलीफ होती है, वो लोगों के आसपास होने पर असहज महसूस करने लगते हैं, जिस वजह से ऑफिस या किसी भी सोशल गैदरिंग में वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कई बार परेशानी ज्यादा होने पर लोग दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम या बंद तक कर देते हैं। हालांकि अभी इस टॉपिक पर हुई रिसर्च पर्याप्त नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें अच्छा महसूस करवाने में अहम रोल निभा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए या किसी काम को करते हुए लगातार हाथ पैर हिला रहा है तो इसका कारण नर्वसनेस या एंजाइटी हो सकता है। ADHD से जूझ रहे लोगों में इस तरह का व्यवहार देखा जाना बहुत ही आम बात है, और जब मिसोकिनेशिया से जूझ रहा व्यक्ति ये देखता है तो उसे भी नर्वसनेस और एंजाइटी महसूस होने लगती है। हालांकि रिसर्चर्स अभी भी इससे जुड़े दूसरे कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस परेशानी के बारे में बात की शुरुआत करके उन लोगों को अच्छा महसूस करवाया जा सकता है जिन्हें लगता है कि ऐसा उन्हीं के साथ हो रहा है और वो खुद को अजीब समझने लगते हैं।